हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो इसमें हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के बारे में। बहुत से मैसेज आ रहे थे पॉलिटिकल साइंस के लिए, इसलिए वीडियो बना रहा हूं, अदरवाइज़ टाइम नहीं था लेकिन फिर भी निकाला है टाइम। तो देखो, इसमें से आपको भी पता है कि 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने रहेंगे। तो वो कौन से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं उसी की बात करेंगे। 10 नहीं, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ही बताऊँगा। और एक चीज़ का ध्यान प्लीज़ रखिएगा, सिलेबस आप अपना मैच कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे सिलेबस आपका नहीं पता है जो 25% रिड्यूस हुआ है। तो इनकेस अगर कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बता देना, ताकि मैं दूसरों को भी बता सकूं कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो तो सबको पता है ऑलमोस्ट, एग्जामिन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये वाला तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा वो है व्हाट इज़ लॉ, डिस्कस द सोर्सेस ऑफ लॉ। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और हिंदी में जिनको देखना हो यहाँ पे देख लो, काफ़ी लोग कहते हो कि हिंदी में बोला करो। यार देखो, क्वेश्चन इसलिए मैं इस बार क्वेश्चन के थ्रू आपको बता रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर है। अपना प्रीवियस ईयर खोलोगे सभी क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को पूरा मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए। एंड उसके बाद जो थर्ड वाला सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा क्रिटिकली एग्जामिन द मार्क्सियस्ट व्यू ऑफ द स्टेट। अगर ये सिलेबस में है तो आप इसको भी पढ़ेंगे। और इसी में आप यहाँ पे ऊपर देखना, यहाँ पे स्कोप नेचर वही वाला सेम क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीटेड है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। तो 3 क्वेश्चन ये हो गए आपके, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन अगर हम बात करें जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, वो रहेगा डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए, जो कि यहाँ पे आप 7वां क्वेश्चन देख सकते हो। 4 क्वेश्चन ये। एंड उसके बाद आपसे एक सोवरनिटी का क्वेश्चन पूछता है, तो सोवरनिटी वाला भी देख लेना, अलग अलग करके पूछ लेता है, लेकिन जो सोवरनिटी से रिलेटेड है एक तो आना लगभग तय रहता है हर बार। और उसके बाद यहाँ पे देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टी, डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ये वाला भी आपको प्रिपेयर करना रहेगा। हालांकि ये दोनों अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो एक आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, लेकिन प्लीज़ यार सिलेबस देख लेना। मुझे नहीं पता ये सिलेबस का पार्ट है या नहीं, मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। तो ये लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके हो गए, इन्हीं को प्रिपेयर करिए। एक मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, हालांकि 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 पूरे नहीं बता रहा हूँ, होपफुली इसी में से आपका काम हो जाना चाहिए। 6 या 7 क्वेश्चन आपके हो गए, एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, उसको भी प्रिपेयर कर लो। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपका आउट ऑफ द सिलेबस हो, तो वो वाला स्किप करके जो बता रहा हूँ उसको देख लेना। एंड उसके बाद डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक ये वाला कर लेना, और अमेरिकन फेडरल सिस्टम वाला भी ये करना। कुल मिला के आपके लगभग 8 से 9 क्वेश्चन हो गए, इसी को प्रिपेयर करो। बाकी अब कुछ और नया करने जाओगे तो ये भी नहीं कर पाओगे, जितना आपको पढ़ना था अब आप पढ़ चुके हैं। अब आपको सिर्फ फोकस करना है मेन क्वेश्चंस पे। तो ये थे कुछ मेन क्वेश्चन, हालांकि इसके अलावा भी आपको जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे उसको भी पढ़ के जाना है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं पेपर फर्स्ट के लिए।